and welcome back to my channel. This is Megha and you're watching Megha's Beauty Land. So, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ Lakme Absolute Mousse Foundation का रिव्यू. So, without further ado, let's move into the video. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फाउंडेशन के प्राइस एंड पैकेजिंग की. अगर हम बात करें इसके प्राइस की तो इसका MRP है 800 rupees, बट मैंने इसे जस्ट 400 में नायका की सेल से परचेज़ किया है. अगर आपने मेरे इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अपना नायका हॉल शेयर किया है. मैंने नायका की सेल से जो भी प्रोडक्ट्स परचेज़ किए हैं उन सारे प्रोडक्ट्स को आपके साथ में शेयर किया है, तो उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में दे दूंगी, आप जरूर चेकआउट करें उसे. नायका पे अभी भी ये फाउंडेशन 400 में अवेलेबल है. इसमें दो शेड्स नायका पे करेंटली अवेलेबल हैं और अगर आपको अपना शेड मिल जाता है तो ज़रूर उसे परचेज कीजिए. बहुत ही अच्छा ऑफर, आई थिंक 400 फॉर दिस फाउंडेशन इज बेस्ट प्राइस पर है और इससे कम में आपको ये फाउंडेशन नहीं मिलेगा. आपको ये फाउंडेशन पर्पल पे भी मिल जाएगा. पर्पल पे भी अभी 15% ऑफ चल रहा है, तो आप इस फाउंडेशन को 680 में purple.com से भी परचेज कर सकते हैं, जो कि अगेन एक बेस्ट प्राइस है इस फाउंडेशन के लिए. एंड करेंटली आई एम वेयरिंग दिस Lakme 925 लिपस्टिक एंड इसका जो शेड है वो है प्लम पिंक. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा लिप कलर है. एज यू कैन सी करेंटली आई एम वेयरिंग दिस लिप कलर. नाउ कमिंग टू द पैकेजिंग ऑफ दिस फाउंडेशन. सो इस फाउंडेशन की आउटर पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है. ये फाउंडेशन कुछ इस टाइप के राउंड बॉल शेप में आता है और इस फाउंडेशन को ओपन करने पे आपको एक और लिड इसके अंदर मिल जाती है और ये प्रोडक्ट क्वांटिटी है. इस लिड की वजह से ये फाउंडेशन काफ़ी ट्रेवल फ्रेंडली हो जाता है. सो इस फाउंडेशन की क्वांटिटी है 25 ग्राम और इसमें मेरा जो शेड है वो है गोल्डन मीडियम. तो चलिए अब हम इस फाउंडेशन को अप्लाई करके देख लेते हैं और इसका टेक्सचर एंड एप्लीकेशन कैसा है उसे भी जान लेते हैं. सो फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले हम अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे. सो मैं यहाँ पर ये निविया का मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ. एक अच्छी सी क्वांटिटी लेकर अपने स्किन पे अच्छे से अप्लाई करिए. फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले हमें अपनी स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप करना चाहिए, जिससे कि जो फाउंडेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो सके और हमारी स्किन के जैसा ही लगे, ऐसा ना लगे कि बहुत ही ज़्यादा हमने मेकअप कर रखा है. अभी मैंने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया है. अब मैं आपको बिना किसी प्राइमर और कंसीलर के ये फाउंडेशन अप्लाई करके दिखाऊंगी, जिससे कि आपको पता चल सके कि ये फाउंडेशन बिना किसी प्राइमर एंड कंसीलर के कैसा लुक देता है. अब मैं इस फाउंडेशन को अपने राइट साइड पे अप्लाई करूंगी, जिससे कि आप विद फाउंडेशन एंड विदाउट फाउंडेशन डिफरेंस इजीली नोटिस कर सको. सो सबसे पहले हम डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे इस फाउंडेशन को अप्लाई करेंगे और आप देख सकती हो कि इस फाउंडेशन की मैंने बहुत ही जरा सी क्वांटिटी ली थी और ये मेरे हाफ फेस के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है. तो सबसे अच्छी बात इस Lakme Mousse फाउंडेशन की ये है कि इसको अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर या फिर मेकअप ब्रश की जरूरत बिल्कुल नहीं है. अब इस फाउंडेशन को मैं अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से पूरे फेस में ब्लेंड कर लूंगी. मैं इस फाउंडेशन को अपने अंडर आई और आईलिड पे भी अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि आपको पता चल सके कि ये फाउंडेशन अंडर आई पे कैसा वर्क करता है. नाउ आई एम डन विद दिस फाउंडेशन. तो आप देख सकते हो कि ये मेरा लेफ्ट साइड है जहाँ पर मैंने फाउंडेशन को अप्लाई नहीं किया है और ये मेरा राइट साइड है जहाँ पर मैंने फाउंडेशन को अप्लाई किया है. सो आप दोनों साइड में डिफरेंस देख रहे हो और ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा कवरेज दे रहा है. कि इस फाउंडेशन के साथ में आपको कोई भी प्राइमर या फिर कंसीलर यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. ये बहुत ही अच्छा कवरेज देता है और फुल मेकअप करने के बाद में ये फाउंडेशन और भी अच्छा लगेगा. सो ये था मेरा टेक्सचर एंड एप्लीकेशन टेस्ट ऑफ दिस फाउंडेशन. आई होप आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा और फुल फेस मेकअप करने के बाद में इस फाउंडेशन के साथ में कैसा लुक आता है वो आप इस वीडियो में देख ही रहे हो. सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो.
सो अगर हम बात करें इस फाउंडेशन की शेल्फ लाइफ की, तो इस पे हमें 2 years की शेल्फ लाइफ मिल जाती है। सो व्हाट्स माय फाइनल वर्डिक्ट अबाउट दिस मूस फाउंडेशन? अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये लैक्मे मूस फाउंडेशन आपके लिए बेस्ट फाउंडेशन है, क्योंकि ये फाउंडेशन बहुत ही मैट फिनिश लुक देता है और आपकी स्किन को बिल्कुल भी ऑयली नहीं होने देता है। और इस फाउंडेशन के साथ में आपको कोई भी कंसीलर या प्राइमर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कवरेज देता है। करेंटली आई एम वेयरिंग दिस फाउंडेशन और आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा सा लुक आया है इस फाउंडेशन को यूज़ करने के बाद में। सो आई विल हाईली रिकमेंड दिस फाउंडेशन, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। अगर आप कोई अच्छा फाउंडेशन ट्राई करना चाहते हो, आई थिंक 400 rupees में ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। अगर आप इस फाउंडेशन को 400 में ही परचेज करना चाहते हो, तो आप नायका पे अभी चेक कर सकते हो, उसमें 2 shades अवेलेबल हैं। अगर आपको अपना शेड मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे ज़रूर परचेज कीजिए। अदरवाइज़ आप नायका की नेक्स्ट सेल के लिए भी वेट कर सकते हो, जो कि आएगी नवंबर दिसंबर में। अगर आपने इस फाउंडेशन को नहीं ट्राई किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई विल हाईली रिकमेंड दिस फाउंडेशन, क्योंकि ये फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर या फिर मेकअप ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है ये। सो ये था आज का वीडियो, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। सो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि हमारे किचन में जो कुक्ड राइस बच जाते हैं, उसको हम कैसे यूज़ करें और उससे कैसे फेशियल करें। सो उस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है। सो मिलते हैं आपसे इसी तरीके के एक और अमेजिंग वीडियो में। टिल देन, बाय।